नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार भांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश में मैं आज आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हेयर लेयरिंग को काट कर जो है गमले में ट्रांसफर करना है। तो मैं आपको दिखाऊंगा, ये मैं हेयर लेयरिंग का पहले एक एपिसोड बना चुका हूँ, तो जो दर्शक अभी तक देखे नहीं है तो वो जाके उस एपिसोड को देखे कि मैंने कैसे हेयर लेयरिंग की थी, और उसके बाद आप इस एपिसोड को देखें या अभी देख लें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाजू में बेल है उसको बेल जरूर दबाएं, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो वो आपको तुरंत उसके बारे में पता चले। तो आइए देखते हैं कि मैंने जो एयर लेयरिंग की है इसमें अभी जड़ आई है या नहीं। हालांकि इसे 45 दिन हो चुके हैं, लेकिन आइए देखते हैं। तो आइए, ये देखिए, जी हाँ, इसमें जड़ आ चुकी है। देखिए, ये जड़ आ चुकी है, ध्यान से देखिए, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, ये देखिए, अच्छी चीज। तो अब मैं इसको यहां से काटूंगा और उसके बाद इसे गमले में ट्रांसफर करूंगा। तो ठीक है, मैं इसे काटता हूं। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी कोई आप इस तरह की गार्डनिंग कर रहे हो तो आपके हथियार जो अच्छी तरह से साफ होने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए। तो देखिए, मैं इस पेड़ को काट रहा हूं, ये देखिए, जो है मैं इसे काट चुका हूँ। चलिए हम अपने गमले की तरफ चलते हैं, जहाँ देखते हैं हम। आइए, तो ये देखिए, ये जो जड़ा चुकी है, तो मैं इसको आपको दिखाता हूँ। इसके बाद हमें करना यह है कि ये देखिए, ये वाली कलम इसे हमें काट के फेंकना है। तो मैं इसको बताता हूँ किस तरह से करना है। तो मित्रों, ये जो है मैंने एयर लेयरिंग से देखा, अभी आपको मैंने जड़ दिखाई किस तरह से ये तैयार हो चुका पौधा। तो इसको मुझे 45 से 50 दिन लगा है इसे तैयार होने में। अब मैंने इस पर लगा दिया है, अब इसमें पानी डालूंगा ताकि इसकी एयर बबल जो है निकल जाए। तो मित्रों, आपको ये एयर लेयरिंग को मैंने किस तरह से गमले में ट्रांसफर किया है आपको मैंने बताया। तो अगर ये आपको जानकारी पसंद आई तो ज़रूर आप जो है इसके लिए कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाजू में जो बेल है उसे ज़रूर दबाएं। तो इसी के साथ अपने मित्र प्रदीप कुमार भांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। नमस्ते, जय हिंद।